नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे लाल जिन्होंने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन को दी थी चुनौती। बिहार की भूमि परिवर्तन की भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ से कई आंदोलन हुए जो देश की नई दिशा देने में कारगर साबित हुई है। बिहार में भगवान बुद्ध से लेकर महावीर और गुरु गोविंद सिंह को कौन भूल सकता है। यहाँ भगवान राम से लेकर गांधी तक ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। आइए आज हम एक ऐसे ही बिहारी वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिन्होंने आइंस्टीन के फार्मूले को चैलेंज कर दिया था। जी हाँ, आपके दिमाग में जिस महान व्यक्ति का नाम आ रहा है, हम भी उन्हीं का नाम बताने जा रहे हैं। बिहार के उस महान वैज्ञानिक का नाम है वशिष्ठ नारायण सिंह, जिसे लोग प्यार से वैज्ञानिक बाबू बुलाते थे। इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव में हुआ था। पारा रेलवे स्टेशन से जब आप किसी से पूछेंगे कि बसंतपुर जाना है तो शायद ही कोई बताए, लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे कि वशिष्ठ बाबू के गाँव जाना है, आपको लोग एकदम सही रास्ता बता देंगे। वशिष्ठ बाबू का जन्म 1946 में हुआ था। उनके पिता का नाम लाल बहादुर सिंह और माता का नाम लहासी देवी था। वशिष्ठ नारायण सिंह के पिता पुलिस कांस्टेबल थे। घर में गरीबी थी। वशिष्ठ बाबू पढ़ने में बहुत तेज थे। वह पढ़ने में इतना तेज थे कि गरीबी को हमेशा पीछे छोड़ा। वशिष्ठ बाबू के बचपन की पढ़ाई नेत्रहाट विद्यालय से हुई। कहा जाता है कि बोर्ड में नेत्रहाट के बच्चे टॉप करते थे। वशिष्ठ बाबू ने भी अपनी पुरानी परंपरा को निभाया और मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बिहार स्टेट टॉपर की लिस्ट में अपना झंडा गाड़ दिया। तब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। नेत्रहाट विद्यालय के बाद वशिष्ठ बाबू पटना साइंस कॉलेज के लिए निकल गए। यहां उन्होंने बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स लिया। यहां से वशिष्ठ बाबू का गणित से नाता सदा सदा के लिए जुड़ गया। पटना साइंस कॉलेज में गलत पढ़ाने पर वह अपने गणित के अध्यापक को टोक देते थे। कॉलेज के प्रिंसिपल को जब पता चला तो उनकी अलग से परीक्षा ली गई, जिसमें उन्होंने अकादमिक रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहीं से वशिष्ठ नारायण सिंह की मुलाकात प्रोफेसर जॉन कैली से हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के प्रोफेसर जॉन कैली पटना आए थे। एक मैथ्स की कॉन्फ्रेंस के लिए प्रोफेसर कैली पटना पहुंचे थे। उसी कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर कैली ने गणित के 5 कठिन सवाल पूछे। कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वशिष्ठ नारायण सिंह ने 5 सवालों को सॉल्व किया और अलग अलग तरीकों से उसके जवाब दिए। प्रोफेसर कैली नंबर्स की ऐसी समझ देखकर इंप्रेस हो गए और उन्होंने वशिष्ठ नारायण को अमेरिका बुला लिया। इसके बाद बिहार के वैज्ञानिक ने बर्कले के लिए फ्लाइट पकड़ ली। वशिष्ठ बाबू के लिए फ्लाइट की टिकट और स्कॉलरशिप का इंतजाम प्रोफेसर कैली ने ही किया। प्रोफेसर कैली के सुपरविजन में वशिष्ठ नारायण सिंह ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अपनी पीएचडी पूरी की। उनकी थीसिस का सब्जेक्ट था रिप्रोड्यूसिंग काइंडली एंड द ऑपरेशन विद ए साइकिल वर्टिकल। उन्होंने अपनी पीएचडी 1969 में पूरी की। इसके बाद वे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह हो गए। अपनी पीएचडी के बाद डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा के तहत काम करना शुरू किया। 1969 में ही नासा ने अपोलो मिशन लॉन्च हुआ था, वही मिशन जिसमें पहली बार इंसान चांद पर पहुंचा था। इस मिशन का एक मशहूर किस्सा है। जब अपोलो मिशन के दौरान कंप्यूटर्स बंद हो गए, तब वशिष्ठ नारायण सिंह ने गणित लगाकर एक हिसाब निकाला। जब कंप्यूटर्स चालू हो गए तो वशिष्ठ और नारायण सिंह और कंप्यूटर्स के कैलकुलेशन एक थे। इस समय तक वशिष्ठ बाबू जीवन के उस पड़ाव तक पहुंच गए थे जब उनकी शादी हो जानी चाहिए थी। घर वालों ने उनकी शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। 1973 में उनकी शादी वंदना रानी सिंह से हो गई। शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनकी बीवी को उनके कुछ हरकतें अजीब सी लगने लगी। एक बार उन्होंने कुछ दवा लेते हुए भी देखा। यहां से परिवार को वशिष्ठ नारायण की मानसिक अवस्था के बारे में कुछ पता चला। पति पत्नी कुछ दिन अमेरिका में रहे और कुछ दिनों के बाद दोनों स्वदेश लौट आए। 1974 में वशिष्ठ नारायण भारत लौटे और आईआईटी कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर काम करने लगे। यहां पर परेशानियां उन्हें आई। उसके बाद उन्होंने वह जगह बदल ली। इसके बाद वह TIFR ज्वाइन कर लिया। इसके बाद वे कोलकाता गए, वहां उन्होंने ISI ज्वाइन की। इस दौरान उनकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उनकी बीवी भी उन्हें छोड़कर मायके जाने का फैसला कर लिया। 1976 में पत्नी से डिवोर्स हो जाने के बाद उन्होंने एकदम से वो पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और वो पहले से ज्यादा हिंसक होने लगे। यहीं से वशिष्ठ नारायण सिंह के लाइफ में यू टर्न आ गया। घर वालों ने परेशान होकर उन्हें कांके मेंटल अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पता चला कि वशिष्ठ नारायण सिंह को सिक्टोजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। मैथ्स की दुनिया में रहने वाले वशिष्ठ नारायण अब किसी अलग ही दुनिया में रहने लगे थे। मेंटल अस्पताल में उनका इलाज हुआ। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा। कुछ सालों के बाद पिता का देहांत हो गया। उसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर आए। अस्पताल वापस लौटने से उन्होंने मना कर दिया। हालात में सुधार को देखते हुए अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। वशिष्ठ बाबू के बड़े भाई मिलिट्री में काम करते थे। उनकी पोस्टिंग उस समय पुणे में थी। वशिष्ठ नारायण अपने भाई के साथ पुणे में रहने लगे। 1989 में चेकअप कराने के लिए अपने भाई के साथ रात ही जा रहे थे। ट्रेन के बीच
रास्ते से ही वो गायब हो गए। खूब ढूंढा गया लेकिन कोई पता नहीं चला। चार साल के बाद कूड़े के ढेर के पास वो मिले, जहां वो मिले वो उनकी पुरानी पत्नी का गांव था। तब से घर वालों ने अपनी नजर में उन्हें हर समय बनाए रखा। इसके बाद लोकल न्यूज़पेपर्स ने इसे रिपोर्ट किया, यानी कि वशिष्ठ नारायण सिंह की जो वर्तमान स्थिति थी उसको लेकर मीडिया में चर्चा होने लगे। उसके बाद सरकार की ओर से ध्यान दिया गया और उसके बाद उनके इलाज की बात चलने लगी। उन्हें सबसे पहले जहां दिखाया गया वह था बेंगलुरु स्थित NIHAMS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में उन्हें शिफ्ट किया गया, जहां उन्हें दिखाया गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां पे उन्हें IHBAS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड साइंस में उनका इलाज चला। 2009 में वे वहां से भी घर वापस आ गए और तब से लेकर वो अपने घर पर ही रहने लगे। इसी बीच मीडिया में रिपोर्ट्स आया कि इनका इसी बीच मीडिया में एक खबर चली जिसमें प्रकाश झा ने वशिष्ठ नारायण के ऊपर एक बायोपिक बनाने की बात कही। इसके बाद एक और बुरी खबर आई, यानी कि 14 नवंबर 2019 को बिहार के लाल वैज्ञानिक बाबू के नाम से जाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। बिहार सरकार ने उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया। वशिष्ठ नारायण सिंह आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी बिहार के बच्चे वशिष्ठ नारायण सिंह बनने का सपना जरूर देखते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।